हेलो दोस्तों, देखिए हम यहाँ पे इस कमरे में हमें अगर फर्श डालना है, उस फर्श में हमें शीशा लगाना है, तो हम इसका लेवल ले रहे हैं। लेवल लेने के लिए हमने देखिए यहाँ पे एक फीट पे हमने यहाँ पे चौक का निशान लगाया है, हम इसी से लेवल लेंगे। दूसरी तरफ देखिए वहाँ पे ये लेवल का पानी जहाँ पे आएगा, लेवल पाइप का पानी जहाँ होगा वहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे। एक यहाँ भी लगाओ, आप देख सकते हैं कि इस तरह हमें मिला भाई। मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि हमें कमरे का लेवल किस प्रकार लेना होता है। ये देखिए जहाँ पे पानी आया हमने इसी जगह पे निशान लगा देना है। इसके बाद ही हम आगे बताएंगे आपको कि इसके चीजें कैसे लगाते हैं। देखिए एक कोना हो गया, अब दूसरे कोने में हम फिर से लेवल लेंगे। इसी प्रकार हम चारों कोने में लेवल ले लेंगे। तो कोने में हमने लेवल लगा दिया है, अब तीसरे कोने में आ गए हैं। जहां पे हमारा पानी लेवल का आता है वहीं पे हमको एक निशान लगा देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने इस प्रकार चारों कोनों में ये निशान लगा दिए हैं। अब निशान लगाने के बाद मैं ठीया लगा के दिखाता हूँ आपको किस प्रकार लगाने हैं, उसके बाद ही शीशा फिट करेंगे। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि इस प्रकार हमने यहाँ पे शीशा लगाया है। यहाँ पे हम लोगों ने पहले फर्श को लेवल में नहीं किया है, यहाँ पे थोड़ी परेशानी है, लेकिन इसको हम लगाते हैं। सबसे पहले इस जगह पे हम लेवल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं हुआ हमने, क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए हम लोगों ने यहीं पे इसको सीधा बांध दिया। इसके बाद हम इसमें फर्श डाल देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमारा ये आ रहा है तो यहाँ पे टुकड़ा लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे एक टुकड़ा काट के रखा होगा। ये देख सकते हैं छोटा सा टुकड़ा है, इसको हम इस तरीके से फिट कर देंगे। ये बाहर कैसे हो गया, ये देख सकते हैं आप कि इसको इस प्रकार टुकड़े को रख देना, बराबर रख देना बिल्कुल। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे हमें मसाला जो लगाना है इस शीशे से आधा इंच डाउन रहना चाहिए। इतना दिखाई दे, चलो भाई लो थोड़ा फेर दो वहां से ऐसे बोल के। दोस्तों देख सकते हैं कि हमने ये 10x12 के कमरे में चार खानों का शीशा लगाया है, 1, 2, 3 ये चौथा। इसमें हमने क्या किया है कि दोनों साइड जो हमारी साइड होती है उसमें हमने गैप बनाए हैं। गैप कौन सा है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, इसके साइड में हमने 1-1 फिट का गैप रखा है, और जो हमारे कमरे का साइज है उसके हिसाब से हमें इसमें
कोनों को नापते हुए बीज का सेंटर निकालते हुए इसमें सीसा फिट करना है। इसमें सिर्फ यही बात आती है कि सेंटर निकाल के काम करना होता है।